दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं चंद्रदेव। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे और मेरी माँ को पीड़ा पहुँचाने का कार्य किया और अब इस प्रकार सभी की दृष्टि से ओझल होकर समस्त सृष्टि को कष्ट पहुँचा रहे हैं। हाँ, क्रोध आया मुझे, अवश्य क्रोध आया, और अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें पुनः शापित करूँगा। मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा चंद्रदेव को, कभी नहीं। गणेश पुत्र, रुको रुको पुत्र। गणेश इतना क्रोधपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है? ये हो क्या गया है गणेश को? उमा, अभी इसे जाने दीजिए, अभी वो कुछ भी समझने की अवस्था में नहीं है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है पिताश्री की, गणेश को ये हो क्या गया है? अभी कुछ समय पूर्व ही तो मुझसे कह रहा था कि चंद्रदेव को लौटाने के लिए वो पिताश्री से मार्गदर्शन लेगा, फिर अचानक ये क्रोधावेश का क्या कारण है? यदि मेरा पुत्र अपने क्रोध को अपने वश में नहीं कर पा रहा है तो अवश्य ही उसका कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि अकारण क्रोध तो गणेश के स्वभाव में ही नहीं। हाँ माँ, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। गणेश के स्वभाव से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं, फिर उसके क्रोध का क्या मूल हो सकता है? चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया। मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी माँ को अपार वेदना सहनी पड़ी, और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। पुत्र, मैं हूँ उसके क्रोध के मूल में, मैं उसकी माँ। नाथ, मैंने जब भी गणेश को किसी क्रोध अथवा आहत में देखा तब मैं स्वयं पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखने में असमर्थ हो गई। मैं अपने क्रोधावेश में सर्वथा विनाश करने के लिए प्रेरित रहती हूँ। ये स्नेह एक माँ का अपने पुत्र के प्रति, जब मैं गणेश को पीड़ा में देख अपने क्रोध पर नियंत्रण खो सकती हूँ तो गणेश तो मात्र एक बालक है। हम उससे आत्मनियंत्रण की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं नाथ? ओ माँ, क्योंकि वो प्रथम पूज्य गणेश है। और मैं जगत जननी आदि शक्ति हूँ नाथ। नाथ, आप इस संपूर्ण घटनाक्रम को पुत्र गणेश की दृष्टि से देखने में संकोच क्यों कर रहे हैं नाथ? नाथ, आप ये क्यों नहीं समझना चाहते कि गणेश का क्रोध उसकी माँ के रक्षक के भाव का ही परिणाम है? आज जब गणेश अपना मत आपके समक्ष रखने आया तो आपने कहा कि चंद्रदेव से जो कुछ भी हुआ उसके परिणाम से वो अनभिज्ञ है, तो क्या ये कहना अनुचित है कि गणेश ने जो कुछ भी किया उसके परिणाम से वो भी अनभिज्ञ थे? आपका झुकाव आपके एक पुत्र की ओर ही क्यों है? आपको गणेश को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। ये मत भूलिए नाथ, जब हमारे तथाकथित पुत्र चंद्रदेव ने मेरे हृदय को आहत किया तब गणेश ने ही मेरा बचाव किया। आपको क्या ये स्पष्ट नहीं है नाथ? उमा, ब्रह्मांड को संतुलन में लाना मेरा कर्तव्य है, जो गणेश के कृत्य के कारण संकट में है। नहीं नाथ, सृष्टि का संतुलन संकट में अवश्य है, किंतु गणेश और चंद्रदेव दोनों के कृत्यों के कारण। नाथ, मेरी विनती है आपसे, जो उचित है वही कीजिए, उसी से गणेश का क्रोध भी शांत होगा। देवी रोहिणी, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव ने हमें चंद्रदेव और इस सृष्टि की रक्षा हेतु एक अंतिम उपाय के रूप में इस पूजा का सुझाव दिया है।
किंतु ये सुझाव देते समय उनके मन में भी संशय था कि क्या किसी भी तरह प्रथम पूज्य गणेश जी का क्रोध शांत होगा? होगा, अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कारण है कि आप इसमें इतना संदेह व्यक्त कर रहे हैं सूर्यदेव? मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस पूजा से गणेश का क्रोध शांत होगा। और महादेव, पुत्र कार्तिकेय और स्वयं मैं भी इस पूजा को सफल बनाने हेतु इसमें भाग लेंगे और फिर हम सभी एकजुट होकर प्रथम पूज्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। उमा का सुझाव कि जो उचित है वही मुझे करना चाहिए, वो मैंने स्वीकार किया। और उचित यह है कि हमें गणेश को उसका श्राप लौटाने के लिए विवश करने के स्थान पर उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपनी दृष्टिकोण में उसने जो किया अपनी मां के लिए किया, और जो उचित है इस पूजा के लिए हम सभी को व्रत संकल्प धारण कर गणेश की पार्थिव श्री विग्रह की रचना करनी होगी। और इस पूजा का संपूर्ण विधि विधान मैं आपको बताऊंगी। और इस प्रकार हम सब एकजुट होकर पूर्ण भक्ति से गणेश की पूजा करेंगे। मैं चंद्रदेव की अर्धांगिनी रोहिणी, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिवस इस व्रत का संकल्प लेती हूँ। मैं देवराज इंद्र प्रथम पूज्य गणेश जी का क्रोध शांत करने और सृष्टि की रक्षा करने हेतु समस्त देवताओं के साथ इस पूजा का संकल्प लेता हूं। तो अब उष्मता की ऐसी पराकाष्ठा की ओर जा रही है कि ये मिट्टी भी अब तपने लगी है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। सभी देवगण कितनी निष्ठा और समर्पण से इस पूजा के लिए प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है हम सभी अपनी भक्ति से गणेश जी को प्रसन्न करने में अवश्य सफल होंगे। बल और बुद्धि से सिंदूरा संगारा, प्रथम पूज्य देवा। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश देवा। पिताश्री देखिए, गणेश का पार्थिव स्वरूप अर्थात उसकी मूर्ति की रचना हो गई है। अब तो मात्र उसके नेत्र ही गणने शेष हैं। मेरे पुत्र के नेत्र मैं स्वयं गणूंगी। एक माँ जो अपने पुत्र के नेत्रों में अपने लिए अपार प्रेम देखती, वो भला उन नेत्रों को कैसे भूल सकती? उसकी छवि तो एक माँ के हृदय में सदैव के लिए अंकित हो जाती।
महादेव, माता पार्वती, हमें आशीष दीजिए कि हम आपके पुत्र श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा का शुभारंभ करें और इसके फलस्वरूप हम अपने मनोरथ में सफल हों। उचित है देवी रोहिणी, मैं सिंदूर से गणेश का तिलक करती हूँ। सिंदूर जो सर्वाधिक प्रिय है मेरे पुत्र गणेश को। ओम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। देवी रोहिणी, अब ये लाल पुष्प गणेश को समर्पित कीजिए, उसी से गणेश की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। चंद्रदेव के शीतल प्रभाव के अभाव से यह कैलाश भी प्रभावित हो रहा है। समस्त वातावरण में ऐसी उष्णता का संचार हो रहा है कि यहां की हिम तक पिघल रही है। नंदिनी, ये क्या हो रहा है? अरे इतना ताल तो तलवत लो बिना आदि बिना तो होता है। हाँ तो उतला जी, अब गणेश की कृपा से ही हमारी और समस्त संसार की सुरक्षा निहित है। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। गणेश ने तो अब तक हमारी पुकार सुनी ही नहीं। चंद्रदेव की शीतलता तो मेरी उष्मता को संतुलित करती है, किंतु अब उनकी शीतल किरणों के अभाव में मेरा ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। ओम गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। चंद्रदेव के अदृश्य होने से उत्पन्न संकट महासंकट में परिवर्तित हो, उसके पूर्व गणेश को चंद्रदेव के प्रति अपने क्रोध को शांत कर उन्हें किसी भी युक्ति से लौटाना ही होगा, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते जी ने तो हमें अभी भी दर्शन नहीं थी, तो क्या सूर्यदेव का संशय उचित था?
कहीं गणेश जी का क्रोध हमारी इस पूजा से भी शांत ना हुआ तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं अभी दुर्वा प्रस्तुत करता हूँ माँ। उचित है पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणपतये नमः। ॐ नमः शिवाय, गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। पिताश्री, माँ, भैया और समस्त देवगण मेरी पूजा में लीन है और यहाँ मैं अपनी पूजा में व्यस्त हूँ। नहीं, मेरा कर्तव्य और दायित्व तो जगत कल्याण के प्रति है। मैं अभी जाकर देवताओं की सहायता के लिए प्रस्तुत होता हूँ। भैया, पिताश्री, माँ, इनको मैं कदापि निराश नहीं कर सकता। मेरे क्रोध के कारण पूर्व में भी बहुत हानि पहुँच चुकी है, इसलिए अब अपने क्रोध को त्यागूंगा मैं। अब अपना दायित्व निभाने में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा मैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनका सहायक बनूंगा मैं। ओम नमः शिवाय। कहाँ मेरे प्रभु महादेव, उनके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी, और कहाँ तुम? ओम नमः ओम नमः शिवाय। कितने विचित्र आकृति है ना आपकी खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश, और उधर मानो अन्न का भंडार हो। देवताओं का क्या है, वो तो मात्र चंद्रदेव को शाप मुक्त कराने का अनुरोध करेंगे मुझसे, क्योंकि वो भी देवता है। किंतु यदि चंद्रदेव ने उनमें से किसी की भी पत्नी अथवा माता को अपमानित किया होता तो क्या वो उन्हें क्षमा कर देते? नहीं, कदापि नहीं। तो मैं उन्हें क्यों क्षमा करूं? क्यों क्षमा करूं मैं उन्हें? अरे, मैंने पूजा मध्य में ही छोड़ दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा, जो जित है वो मैं करूं, इसकी प्रेरणा आपने ही मुझे दी थी। किंतु अब समय आ गया है कि आप भी वो कीजिए जो उचित है, क्योंकि यदि अब आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी सृष्टि की रक्षा का हमारा दायित्व निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। रक्षा हेतु कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। प्रणाम। माता तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं, पर भीतर गणेश जी भी कुपित अवस्था में हैं। उतला जी, अब वे दोनों एक दूसरे के समक्ष होंगे तो ज्ञात नहीं इसका क्या परिणाम होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश। माँ माँ, क्या हुआ माँ? आप इतने तनाव में क्यों प्रतीत हो रही है? पुत्र, ये हो क्या रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो पुत्र? मुझे क्या होगा माँ, मैं तो पिताश्री की पूजा कर रहा हूँ। पुत्र, सभी देवताओं में सबसे उदार हो तुम, सबसे दयालु हो, फिर इस बार इतना हठ क्यों? इतने कठोर क्यों हो रहे हो तुम? चंद्रदेव को उचित सीख दे चुके हो तुम, ऐसी सीख जो उन सभी को सदैव स्मरण रहेगी, जो बालकों के भोजन पर व्यंग करते हैं, बालकों को भोजन के प्रति रुचि पर कुदृष्टि डालने के लिए प्रेरित हो, फिर भी अपने क्रोध पर क्यों टिके हो तुम? माँ, चंद्रदेव को दंडित करने का कारण तो आप है, उन्होंने आपको कष्ट देने का अपराध किया था। तो क्या ऐसा करके तुम्हें मेरे प्रति अपने स्नेह को प्रमाणित करने की आवश्यकता है पुत्र? नहीं माँ। तो फिर क्या तुम प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो? क्या प्रतिशोध की भावना आसुरी भावना नहीं? मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या? पुत्र, क्या तुम्हें इसका तनिक भी आभास है कि देवी रोहिणी कितने कष्ट में है? क्या तुम्हें उनकी प्रार्थना का स्वर सुनाई नहीं दे रहा पुत्र? जब तुम्हारे पिताश्री और मैं एक दूसरे से विलग हुए थे तो तुमने कितना अथक प्रयास किया था हम दोनों को एक साथ लाने के लिए। उसी प्रकार अब देवी रोहिणी चंद्रदेव से विलग हुई है, तो क्या तुम उनकी पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो पुत्र? क्या तुम ये भी देख पाने में असमर्थ हो कि स्वयं जगत पिता महादेव तुम्हारे पिता तुम्हारी पूजा कर रहे हैं? क्या तुम इससे भी प्रभावित नहीं हो पुत्र? नहीं माँ, मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु किंतु क्या पुत्र? जिस माँ के लिए तुमने स्वयं चंद्रदेव को दंडित किया, वो तुम्हारी प्रार्थना कर तुम्हारी गुहार लगा रही है। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। तब भी तुम इतने कठोर बने हुए हो, चंद्रदेव को क्षमा करने में असमर्थ? नहीं माँ, मैं उन्हें क्षमा करना तो चाहता हूँ, किंतु तुम्हारी क्षमाशीलता के कारण ही पुत्र तुम प्रथम पूज्य के पद पर स्थापित हुए। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ, किंतु अकस्मात मैं पुनः आवेशित हो जाता हूँ। तुमने और तुम्हारे पिताश्री ने मुझे विकट स्थिति में डाल दिया है। तुम्हारे पक्ष में मैंने उनसे जो भी कहा उसे स्वीकार कर उन्होंने वही किया जो उचित है। तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं वो पुत्र, इसीलिए अब तुम भी वही करो पुत्र जो उचित है, क्योंकि तुम्हारे कृत से तुम किसी का दोष नहीं सुधार रहे, अपितु हट कर रहे हो पुत्र, और तुम्हारे हट से सबको पीड़ा पहुंच रही है, संपूर्ण सृष्टि संकट में आ रही है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी पुत्र। माँ, सृष्टि को तो मैं भी संकट में नहीं डालना चाहता हूँ। मैंने सभी की प्रार्थनाएं सुनी थी और मैं वहाँ प्रकट भी होने जा रहा था, किंतु फिर ज्ञात नहीं अकस्मात कैसे क्रोध का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ मेरे भीतर। और मैं पुनः क्रोधावेश में बह गया। माँ, क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा, क्योंकि जब भी तुम्हें क्रोध प्रभावित करेगा अपनी तर्क शक्ति से उस पर विचार करो पुत्र,
अपने भीतर के क्रोध का अवलोकन करो पुत्र, तो जैसे स्याह मेघ वर्षा के उपरांत स्वतः मिट जाता है और आकाश में धवल प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसे ही तुम्हारा भी क्रोध मिट जाएगा पुत्र। आओ चलो पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। मैं पुनः क्रोधित हो रहा हूँ, किंतु इस क्रोध का कोई लाभ नहीं। वो कारण समाप्त हो चुका है, वो परिस्थिति बीत चुकी है, तो क्या अभी मेरा क्रोधित होना उचित है? इस प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है, नहीं। गणेश, क्या हुआ? अब यहाँ खड़े हंस क्यों रहे हो? ज्ञात नहीं माँ, मुझे पुनः क्रोध का अनुभव हुआ, फिर मेरे मन में आपके शब्द कौंधे, फिर मैं शांत हो गया, किसी स्याह मेघ के समान। आओ गणेश, चलो आओ। ओम गणपतये नमः, सभी की पूजा से प्रसन्न हुआ। प्रथम पूज्य गणेश जी, आप सभी के विघ्न हर्ते, आपको हमारे और इस समस्त संसार के संकट हरने ही होंगे, हरने ही होंगे प्रभु। गणेश जी, आपने जो मेरे स्वामी चंद्रदेव को शाप दिया है उसे निरस्त करने की कृपा कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं। देवराज इंद्र, ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है कि एक बार जो शाप दिया जाता है उसे पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। किंतु गणेश, इस समस्या का कोई समाधान तो होगा, कोई तो युक्ति होगी जिससे तुम इस संकट को दूर कर सकते हो। हाँ गणेश जी, मुझे विश्वास है आप कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगे। आप सर्वथा उचित कहती हैं माता, शरणागत की रक्षा करना तो भगवान का कर्तव्य है। शाप तो लौटाया नहीं जा सकता, किंतु मैं उसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। चंद्रदेव, 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 चंद्रदेव।
गणेश जी पुनः पुकार रहे हैं, किंतु नहीं, मैं यहीं छिपा रहूंगा। कदाचित वो वहां बुलाकर मुझे और दंडित ना कर दें। चंद्रदेव, आप जहां भी हैं वहां से बाहर आइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके प्रति अब मेरा क्रोध शांत हो चुका है। गणेश जी मुझसे क्रोधित थे, क्या क्या उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया? चंद्रदेव, चंद्रदेव कहाँ हैं आप? आप हमारे समक्ष प्रकट क्यों नहीं हो रहे? आप सब यहाँ एकत्रित हैं, किंतु आप अपनी दृष्टि मुझ पर ना डालें, अन्यथा आप सब कलंकित हो जाएंगे। ना डालें अपनी दृष्टि मुझ पर। उठिए चंद्रदेव। चंद्रदेव, मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश आपको अपने दिए गए शाप से आंशिक रूप से मुक्त करता हूँ। ओम नमो धराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। चंद्रदेव अब संसार के लिए पुनः दर्शनीय हो जाएंगे और अब उन पर दृष्टि डालने के परिणाम स्वरूप किसी को भी कलंकित नहीं होना पड़ेगा, किंतु मात्र एक तिथि को छोड़कर, और वो तिथि होगी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अर्थात मेरा जन्म दिवस। मात्र उसी तिथि पर जो भी चंद्र का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे शाप के कारण कलंक का सामना करना होगा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अत्यंत अहंकारी हो गया था। चंद्रदेव, मुझे भी स्वयं से प्रेम है, किंतु अपनी सराहना करना और स्वयं पर गर्व करने में एक बहुत छोटा सा भेद है, और वो भेद है अहंकार। मैं समझ गया प्रभु, अब मैं इस प्रकार की भूल कदापि नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। और बुद्धि से सिंदूरा संगारा। आपका कल्याण हो चंद्रदेव। युक्ति आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, मैं इस तिथि को भी स्वयं से जोड़ता हूँ। आज की ये तिथि संकष्टि चतुर्थी के नाम से भी विख्यात होगी। जैसी हो रे वा। और इस तिथि पर जो भी भक्त व्रत धारण कर मेरी पूजा करेंगे और रात्रि में चंद्र को जल का अर्घ देकर पूजा संपन्न करेंगे, मैं उनके सभी संकट हरूंगा, उनके सभी दुख दूर करूंगा। स्मरण रहे, संकष्टि चतुर्थी का ये व्रत और पूजा चंद्र के दर्शन कर उनकी आरती के उपरांत ही संपन्न होंगे। धन्यवाद गणेश जी।